तो गया ये ले, अब तेरी बारी है, तू भी नहीं बचेगा। लॉस सेंटोस में कुछ ज्यादा ही गुंडे हो गए हैं, मुझे इन सबको जल्दी जल्दी सबक सिखाना होगा। तेरी गोलियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। चलो फाइनली आखिरकार मैंने सबको सबक सिखा ही दिया, अब जाकर गोजो सर से मिल लेता हूँ, वो मेरे इस काम से बहुत खुश होंगे। और वैसे भी मैं सुबह से उनसे मिला नहीं हूँ, वो पक्का यही पर होने चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या, यहाँ तो एक नहीं दो नहीं बहुत सारे गोजो है, ऐसा कैसे हो सकता है? गोजो सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? इसका मतलब आप ही असली वाले हो। नहीं नहीं, मैं असली वाला हूँ, वो असली नहीं है। अरे बाप रे, इन सब की तो आवाज भी सेम है, अब मैं पहचानूंगा कैसे? यहाँ पक्का कुछ तो गड़बड़ चल रही है, किसी न किसी को तो पता होगा इसके बारे में। हाँ मुझे पता है, दरअसल गोजो सर किसी दुश्मन से लड़ने गए थे और उस पर भारी भी पड़े, पर जब उस दुश्मन को पता चला कि वो इनसे नहीं जीत सकता, उसने ये चाल चली, अब हम भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि इसमें से असली गोजो सर कौन है। देखो यूजी, अगर हमें ये पता लगाना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। हाँ बोलो ना, मुझे क्या करना है? तुम्हें डूब के पास जाना होगा, अब वही है जो हमें पता करके दे सकता है कि इसमें से असली गोजो सर कौन है। देखो तुम जल्दी से निकलो। अच्छा ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, हम पता लगा कर रहेंगे कि इसमें से असली गोजो सर कौन है। हाँ बस मैं भी यही चाहता हूँ। डूड मेरी बात सुनो, डूड मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। डूड तुम मुझे सुन रहे हो या नहीं? ये खाना बनाना बंद कर दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। एक मिनट, कौन हो? जरा इस साइड तो देखो। अरे मैं यूजी हूँ। एक मिनट, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह पर तो लाइन बनी हुई है, तुम पक्के सुकुना बन गए हो। सच्ची सच्ची बताओ मुझसे क्या चाहिए, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। डूड तुम फालतू में डर रहे हो, सुकुना फिलहाल मेरे कंट्रोल में है, वो बिना मेरी मर्जी के तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता। प्लीज डरना बंद करो और मेरी मदद करो। देखो तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे ना, मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर दो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, अब तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं? गोजो सर बहुत बड़ी मुसीबत में है और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं फिलहाल बात मान लेता हूँ, क्योंकि गाइस अगर अभी तक करना होता तो ये कर चुका होता, इसका मतलब मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। अब मुझे ये बताओ, गोजो सर को हुआ क्या है जो तुम इतने डरे हुए हो? दरअसल किसी श्रापित शक्ति ने गोजो सर के बहुत सारे डुप्लीकेट बना दिए हैं और उन सब की आवाज भी सेम है, तो हम पहचान ही नहीं पा रहे कि उसमें से असली गोजो सर कौन है। बस इतनी सी बात, ये मैं पता करके दे सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें उन सारे गोजो सर को एक लोकेशन पर लेकर आना होगा। अच्छा ठीक है। तो गाइस सारे के सारे गोजो सर यहाँ पर आ चुके हैं और यूजी एकदम ठीक बोल रहा था, ये सब तो एकदम सेम ही दिख रहे हैं। साइंटिस्ट मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें केमिकल बनाने के लिए कहा था जिसका इस्तेमाल गोजो सर पहले भी कर चुके, आपने वो बनाया या नहीं? अरे मैंने वो बना लिया है, पर बात यह है कि हम इन सारे गोजो में से किसी भी गोजो पर वो केमिकल यूज नहीं कर सकते, वरना वो मर भी सकता है, क्योंकि उस केमिकल को सहन करने की ताकत असली गोजो में ही है। अरे इसीलिए तो केमिकल बनाने बोला था, अब जल्दी से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दो, अपने हिसाब से किसी को भी सिलेक्ट कर लो। तो गाइस एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है, अब देखते हैं कि वो असली वाला है या नहीं, हमें बस थोड़ा सा इंतजार करना है। तुम्हें लगता है वो सर्वाइव कर लेगा? देख यूजी, अगर वो असली वाला हुआ तो सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि गोजो सर ने इसका इस्तेमाल पहले भी किया हुआ है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये क्या, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब एक ही हो सकता है कि ये असली गोजो सर है। हुआ तो नहीं है, पर मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है, पर अगर असर नहीं हुआ इसका मतलब यही असली होगा। ओहो, इसका मतलब गाइस आखिरकार हमने पहली बारी में ढूंढ निकाला कि असली गोजो कौन है, अब इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट, कुछ तो हो रहा है। अरे नहीं, कोई बचा मुझे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है केमिकल ने लेट रिएक्शन किया, इसका मतलब कि ये गोजो है ही नहीं। जरा देखे तो सही ये कौन है। 1 2 3, मैं कौन, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो गाइस अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि इसकी बॉडी तो पूरी जल गई थी। तो अब हम लोग आ गए हैं दूसरे टास्क की तरफ, जो कि दिखने में और करने में काफी आसान होने वाला है। तुम में से किसी एक को मेरे साथ इस हेलीकॉप्टर में चलना होगा, मैं हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा और तुम लोग पीछे लटकोगे, बैठना नहीं है, तुम्हें लटकते हुए ऊपर जाना है और जब मैं बोलूंगा वहां से जंप करनी है, मतलब के छलांग मारनी है। तो बोलो इसके लिए कौन रेडी होगा? गाइस यार ये लोग तो मुंह ही नहीं खोल रहे हैं, हम ही सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन जाएगा? एक काम करो तुम चलो। ये क्या, तुमने तो कहा था तुम ऊपर लेकर जाओगे, तुम तो कुछ ज्यादा ही ऊपर लेकर आ गए हो, प्लीज हमें नीचे उतारो। पहली बात तो डरना बंद करो, तुम्हें यहाँ से जंप मारनी है, अब चुपचाप हाथ छोड़ दो वरना मुझे आके धक्का मारना पड़ेगा। अरे यार प्लीज ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। चुपचाप जाओ। अच्छा ठीक है। नहीं गाइस, वो नीचे की तरफ कूद गया है, अब हमारी बारी है, जल्दी से चलते हैं नीचे और जाकर चेक करते हैं। ओ चलो, एक बात तो अच्छी है, हम
पैराशूट साथ में लेकर आए थे, अब बस अच्छे से लैंडिंग हो जाए, वो यही कहीं पर होगा। वो रहा, ओह भाई साहब क्या लगी है। ओ गाइस जरा यहाँ पर देखो, इसकी भी हालत खराब हो गई है। यहाँ पर पता नहीं क्या खिचड़ी बन रही है। चलो छोड़ो, अभी भी हमें बहुत सारे काम है। तो गाइस अभी भी हमारे पास बहुत सारे गोजो बचे हुए हैं और ये जो टास्क होने वाला है ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो यूजी तुम तैयार हो? और बाकी के गोजो तुम? हाँ हम तैयार है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें मेरे पीछे ये बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, ये मेज बैंक टावर है और वहाँ ऊपर एक फ्लोर पर मैंने बॉम्ब प्लांट किए हुए है, मतलब के टाइम बॉम्ब। तुम में से कोई ऊपर जाएगा और उन बॉम्ब के ब्लास्ट होने से पहले, मतलब के टाइम खत्म होने से पहले, उस बॉम्ब को ढूंढ के डिफ्यूज कर देगा। तो बोलो ये काम कौन करना चाहेगा? ये मैं करूंगा, खाली बॉम्ब को ही ढूंढना है ना, मुझे लगता है ये काफी आसान होगा। चलो जल्दी जल्दी जाता हूँ ऊपर, उसके बाद साबित हो जाएगा कि मैं ही असली गोजो हूँ। लगता है ये किसी टाइप का ऑफिस था, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। डूड ने पक्का सबको बाहर निकाल दिया होगा। यहाँ पर भी नहीं है यार, मुझे दूसरी जगह जाकर चेक करना होगा। एक काम करता हूँ, राइट साइड जाकर देखता हूँ, यहाँ पक्का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक तो मुझे ये भी नहीं पता कि टाइम कितना बचा है, वो बॉम्ब तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं डूड ने कहाँ पर छुपा कर रखा होगा, अब तो मुझे डर लग रहा है। जल्दी जल्दी ढूंढना होगा वरना पक्का टाइम खत्म हो जाएगा। देखो गाइस, जहाँ तक मुझे पता है बॉम्ब के फटने का टाइम हो चुका है और अब तक उसने कुछ नहीं ढूंढा। पता नहीं उसका क्या होगा, उसने डिफ्यूज किया भी है या नहीं। ओ भाई साहब, गाइस यार जरा देखो तो सही, वो बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोक ही नहीं पाया, उसकी हालत तो खराब हो गई होगी। तुम सब लोग यहीं पर रुको, मुझे ऊपर जाकर चेक करना होगा। ओहो जरा यहाँ की हालत तो देखो गाइस, चारों बाजू बस धुआं ही धुआं लग रहा है और ये आग। फटाफट से गोजो को ढूंढता हूँ, यहाँ पर भी नहीं है यार, कहाँ हो सकता है। ओ गाइस ये रहा, ये तो नहीं बचा। चलो जल्दी से चेक करते हैं इसके पीछे कौन हो सकता है। 1 2 3, अब इसका नाम भी मुझे नहीं पता। गाइस अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास बचे हैं पूरे के पूरे 4 और ये टास्क भी बहुत आसान होने वाला है। वहाँ सामने तुम्हें रैंप दिखाई दे रही होगी, तुम्हें बस ये बाइक लेकर जानी है और उसके ऊपर से छलांग करनी है और दूसरे छोर तक पहुँचना है। पर ये इतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि बीच में आग लगी हुई है, तुम्हें उससे बचते हुए जाना होगा। अरे बस इतनी सी बात, बाइक चलाने में तो मैं माहिर हूँ। चलो मैं चलता हूँ, ये हो गई मेरी बाइक चालू, देखना ये मैं कितनी आसानी से कर लूंगा। मुझे बस अपनी स्पीड को बढ़ाना है और ये आ गई जंप, ये मैं चला। वाह क्या बात है, मुझे लगता है मैं ये क्रॉस कर ही लूंगा और ये मैं पहुँचने वाला। गाइस ये ऑलमोस्ट पहुँच ही गया था पर पहुंच नहीं पाया, जिसके वजह से आप इसकी हालत देख ही सकते हो, ये भी नकली निकला। ऐसा कब तक चलेगा, वो गोजो हमारे रास्ते में आ ही जा रहा है, ये चाल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम एकदम सही कह रहे हो हनामी, जल्दी करना होगा वरना वो गोजो हमें भी मार देगा। तुम्हारा क्या कहना है जोगो, क्योंकि तुम ही हो जो थोड़े बहुत उसके टक्कर के हो। मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद उस गोजो से थक गया हूँ, मैंने एक बढ़िया चाल चली पर वो डूड का बच्चा बीच में आ गया, मुझे उसे सबक सिखाना होगा। उसने मेरा प्लान चौपट करने की कसम खा ली है, उसे बताना पड़ेगा कि वो किसके बीच में आ रहा है और उसका अंजाम क्या होगा। मैं उसे अकेला ही संभाल लूंगा, तुम दोनों की जरूरत नहीं है। तो गाइस अब बचे हैं 3 और यहाँ पर एक बाइक है और सामने 2 लकड़ी से बना हुआ पुल। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर करना क्या है, किसी भी एक गोजो को इस बाइक पर बैठना है और इस लकड़ी के पुल से होते हुए साइड जाना है। तो बोलो तुम में से कौन जाएगा? लगता है इस बार भी नहीं बोलेंगे, एक काम करो तुम ही आगे आ जाओ। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता ये रास्ता कुछ ज्यादा ही पतला है और हम लोग इतनी ऊंचाई पर है, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, मैं ये करूँ भी या नहीं? वो तो तुम पर है, अगर नकली हुए तो नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं, मैं करने ही जा रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, देखना मैं ये कितनी आसानी से कर लूंगा। मुझे यहाँ पर बस धीरे धीरे जाना है, फिर मैं ये क्रॉस कर लूंगा, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट थोड़ी ना है। चलो चलो बस आराम से हम पहुँच जाएंगे। पता नहीं क्यों मैं इतना डर क्यों रहा हूँ, मुझे बस ब्रेक मारना है और आगे जाना है, ब्रेक मारना है और आगे जाना है। चलो चलो काफी कम टाइम ही बचा है, मतलब कि कम रास्ता, मैं ये क्रॉस कर लूंगा। अरे नहीं, मेरी सांसें तेज की हो रही है, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, कोई तो बचाओ, ये बाइक मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है। नहीं मेरी बाइक तो नीचे गिर गई, अब मुझे कौन बचाएगा? प्लीज प्लीज मुझे कोई हाथ दो, मुझे ऊपर खींचो। ऊपर का तो पता नहीं, पर गाइस ये वाल लटक गया है ना, वहाँ से हम इसको नीचे जरूर भेजेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये असली है या नहीं। ये किया जूम, लगाते हैं हाथ पर निशाना और अब ये गया।
बूम। चलो जाकर देखते हैं बचा भी है या नहीं। मुझे लगा ही था कि ये नहीं बचने वाला है, इसका मतलब ये भी नकली है। तो जल्दी से चेक करते हैं कि इसके पीछे कौन है। 1 2 3 बूम। ये तो डार्क नाइट है ना भाई साहब, कौन कौन इसका दुश्मन बन के घूम रहा है? गोजो ने इतने जनों से दुश्मनी कब पाल ली, या फिर ये लोग किसी के वश में? तो गाइस फाइनल टास्क जो होगा वो यही पर होगा। बचे है 2 गोजो जिसमें से एक असली होगा और एक नकली। देखो ये जगह है माउंट चिलियाट पर जो कि बहुत ऊंचाई पर है। मैं तुम दोनों को एक एक करके यहाँ से नीचे फेंक दूंगा, तुम दोनों को बस यहाँ पर जाकर खड़े होना है। देख रहे हो गाइस हम लोग कितनी ऊंचाई पर है। अब क्या एक एक करके नहीं करेंगे, दोनों को यहाँ से फेंक देंगे तो पता चल जाएगा कि असली वाला कौन सा है। अरे वाह डूड तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। अब हमें पता चल जाएगा कि असली गोजो सर कौन है। बस एकदम सही सोचा। तो चलो गाइस वो लोग खड़े हो चुके हैं, एक एक करके नीचे फेंकते हैं। ये गया पहला। माफ कर देना थोड़ा जोर से मार रहा हूँ, पर मुझे पता ही नहीं असली वाला कौन सा है। अब दोनों जन नीचे गिर चुके हैं और ये जगह इतनी ऊंचाई पर है ना कि नकली वाला तो बच ही नहीं पाएगा। तो यूजी हमें नीचे जाकर देखना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है वो बचा होगा? देखो दोनों में से कोई एक तो बचा ही होगा। ओहो जरा ये देखो, एक यहाँ पर लेटा हुआ है और एक एकदम ठीक खड़ा है। इसका मतलब यही गोजो सर है। ये लो यूजी तुम्हारे सर मिल गए, अब तो खुश हो ना? वैसे इसके पीछे कौन हो सकता है? जल्दी से पर्दा उठाते हैं। उसको देखा हुआ लग रहा है पर नाम याद नहीं आ रहा। ये आज हो क्या रहा है मेरे साथ? गाइस अगर इसका भी नाम आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। वैसे इन सबके पीछे होगा कौन? एक मिनट, ये डूड कहाँ गया? अभी तो यही पर खड़ा था। ये किसकी चाल होगी सर? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये किसने किया। हमारी आंखों के सामने से उसे गायब कर दिया। तुम चिंता मत करो, मेरी आंखें बहुत तेज है, मुझे पता है उसे कौन लेकर गया है और कहाँ लेकर गया है। तुम यही रुको, मैं जाकर आता हूँ। यही उसकी बनाई हुई दुनिया है जिसमें वो डूड को लेकर गया है। जो तो मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम यही पर हो। ये रहा वो, चुपचाप डूड को लौटा दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं मैं नहीं लौटाने वाला हूँ, उसने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। वरना तुम्हें कोई नहीं पहचान पाता, अब वो भी मरेगा और तुम भी मरोगे। तुम्हें पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर तुम मुझे मार सकते तो पहले ही मार देते, इतने दिनों का इंतजार नहीं करते। ओहो काफी स्मार्ट लगते हो, कोई बात नहीं तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, उसके पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। ये लो और ये खाओ, तुम बचोगे नहीं। पावर रेड, और ये गया, इसको मैं मौका ही नहीं दूंगा, एक ही साथ खत्म कर दूंगा। अब तो तुम गए, इतनी जोर से तुम्हें नीचे पटकूंगा ना। और ये पावर ब्लू, इसका सामना तुम नहीं कर पाओगे, तुम बस इंतजार करते रहो। ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मैं नहीं रुकने वाला हूँ जब तक डूड को यहाँ से नहीं निकाल दूँ। उसे यहाँ पर खतरा है, वो ज्यादा देर यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगा। मैं उसे यहाँ से निकलने नहीं दूंगा, तुम कुछ भी कर लो, पहले तुम खुद को तो बचा लो। चलो मुझे लगता है मैंने इसे खत्म कर ही दिया है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी ये दुनिया खत्म हो जाएगी, बस डूड भी इससे बाहर निकल जाए। चलो इसकी दुनिया तो गायब हो गई है, हम लोग वापस असली दुनिया में आ गए। पर ये डूड कहाँ रह गया है? डूड क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एक काम करता हूँ यूजी के पास जाकर देखता हूँ, वो वहीं से गायब हुआ था। चलो आखिरकार ये भी असली दुनिया में आ ही गया है। डूड तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, तो आज के लिए बहुत हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।